हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास लोकल पॉइंट लोकल कोऑर्डिनेट हैं या टीएस के कोऑर्डिनेट हैं तो आप अपना डीजीपीएस कैसे चलाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रोजेक्ट इन्फो में जाके आपको एक नया जॉब बनाना है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं पैरामीटर कैलकुलेशन नाम दे रहा हूँ। इसके बाद आप अपना जोन चेक कर लीजिए, अगर सही है उसके बाद आप ओके करेंगे। इसके बाद आप डिवाइस में आएंगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि जो आप अपना बेस लगाएंगे, जो आपको टीवीएम वगैरह मिलेंगे 4 से 5, इसमें मिनिमम आपके पास अगर 4 पॉइंट हैं तो बहुत अच्छा है, अगर 5 पॉइंट हैं तो ठीक और अच्छा है। तो मिनिमम आपके पास 3 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कि इसमें आपका ट्रायंगुलेशन जैसा कुछ बनना चाहिए, इससे आप आसानी से आप पैरामीटर कैलकुलेशन कर सकेंगे। और टोटल स्टेशन लोकल पॉइंट अगर हैं तो उसके हिसाब से आप अपना डीजीपीएस चला सकेंगे। तो जो बेस रहेगा किसी नॉन पॉइंट पे लगाएंगे, जो रोवर रहेगा आपके पास उसको भी नॉन पॉइंट पे, जितने भी हैं नॉन पॉइंट पे बाईपोर्ट पे लगा के जो रोवर है उसको आप अपना उसको मेजर कर लेंगे। तो उसका मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप बेस में जाइए। बेस में यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है जो बेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेट बाय एवरेज की यहाँ पे आप टाइम थोड़ा 10 सेकंड का कर दीजिए। नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आप बेस कर दीजिए। यहाँ पे टारगेट हाइट आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेट कर दीजिए। यहाँ का एक पॉइंट स्टोर हो गया है, हम यहाँ पे यस करेंगे। बेस को डिसकनेक्ट करने के बाद आप रोवर को कनेक्ट करेंगे और जो आपका रोवर रहेगा उसको आप बाय पोर्ट पे अपना फिक्स करके जो नॉन पॉइंट रहेगा उस पर आप लगा के रखेंगे। रोवर पे जाइए कनेक्ट। यहाँ पे आरटीके का साउंड आ गया है। यहाँ पे अभी हमारा जो लेवल है माइनस में जा रहा है तो यहाँ पे हम एजीएम फाइल को लगा लेंगे। जो हमारा लेवल है वो सही हो चुका है। यहाँ पे 0.0 जो अपना आप पॉइंट स्टोर करेंगे, अभी ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। और यहाँ पे आप अपना टारगेट हाइट जो कार्बन पोल का है उसको आप डाल दीजिए। यहाँ पे जो मेरे कार्बन पोल की हाइट है वो 1.6 है। इसको आप मेजर कर लीजिए। ऐसे भी आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं 3 से 4, उन सभी जगहों पे आपको अपना जो रोवर है बायपोर्ट पे लगा के आपको मेजर कर लेना है। यहाँ पर हम अभी आगे के भी पॉइंट ऐसे ही स्टोर कर लेंगे जैसे हमने एक पॉइंट किया था, वैसे ये मैं 3rd पॉइंट यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो हमारे पास
चार से पांच पॉइंट थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको मेजर कर लिया है। बेस का एक पॉइंट हो गया, 0.3, 0.4, 0.7, 0.5 को हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है। इसके बाद मेजर करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पैरामीटर कैलकुलेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका प्लान प्लस साइड फिटिंग होना चाहिए, नीचे कॉन्स्टेंट वर्टिकल ऑफसेट में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप ऐड पे जाइए, ऐड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एनी जेड पे क्लिक करना है। जैसे सपोज अभी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट को चूज करूँगा जो हमने मेजर किया है, यहाँ पे ऊपर स्टोर पॉइंट जो अभी हमने मेजर किया उसको डालेंगे। जैसे अभी बेस का है, यहाँ पे हम बेस को ले लेंगे एनी जेड उसका। उसके बाद जो लोकल रहेगा, अभी हमने जहाँ पे बेस लगाया उसका हमने 1000 लिया हुआ है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ऐसे फिर आपको ऐड पे आना है, ऐड पे आने के बाद यहाँ पे एनी जेड पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको जो भी पॉइंट इसमें से सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और पॉइंट नंबर 3 का यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट डाल देंगे जो हमारा लोकल कंट्रोल पॉइंट है उसका। फिर से आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए, फिर आप ऐड पे जाइए, यहाँ पे एनी जेड पे क्लिक करिए। यहाँ पे अभी हम पॉइंट नंबर 4 ले रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 का जो हमारे पास लोकल कोऑर्डिनेट है टीएस का उसको हम डाल देंगे। इसको भी सेव कर दीजिए। इसके बाद आप फिर ऐड पे आइए, एनी जेड पे क्लिक करिए, पॉइंट नंबर हम अभी यहाँ पे 7 को लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7 का लोकल रहेगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, नॉर्थिंग ईस्टिंग और लेवल तीनों। यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए आप, फिर ऐड पे जाइए, एनी जेड पे क्लिक करिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे आप जो पॉइंट नंबर 5 का लोकल आपको मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे सेव कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, कंप्यूट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप सर्वे में आइए, डिटेल सर्वे, तो जो हमारा जो नॉर्थिंग ईस्टिंग और लेवल है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो हमारा लोकल के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो टोटल स्टेशन का आपके पास TBM वगैरह है तो इस प्रकार से आप अपना कर सकते हैं। पैरामीटर कैलकुलेशन में करने के बाद अगर आपको किसी भी पॉइंट को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप स्टैक पॉइंट में आइए। स्टैक पॉइंट आने के बाद आपको कैड वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो ठीक है, तो आप यहाँ पे डालेंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैं स्टेशन नंबर 5 का यहाँ पे मैं स्टेक आउट करूँगा, तो यहाँ पे उसका मैं कोऑर्डिनेट डालूँगा स्टेशन नंबर 5 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को डाल दिया है, तो आपको हमको अभी यहाँ पे नॉर्थ में 7.553 मीटर जाना है, ईस्ट में 2.45। तो यहाँ पे अभी मैं स्टेक में जाके
यहाँ पे जितने भी ऑफ हैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये हमको सही डायरेक्शन बताएंगे। यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 7.66, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेक आउट भी आसानी नॉर्थवर्ड 7.5 मीटर्स, ईस्टवर्ड 2.4 मीटर्स, नॉर्थवर्ड 1.7 मीटर्स, ईस्टवर्ड 0.1 मीटर्स। Northward 0.12 meters, eastward 0.01 meters. किसी भी पॉइंट को स्टेक आउट भी कर सकते हैं अगर आपके पास है लोकल कोऑर्डिनेट हैं। पैरामीटर कैलकुलेशन में इतना जितना मैंने आपको बताया इतना करने के बाद आप किसी भी पॉइंट को आसानी से स्टेक आउट कर पाएंगे।